नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और आप सभी का स्वागत है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा विशेष तौर पर उन दर्शकों का जो हमारे साथ सालों सालों साल से जुड़े हुए हैं और हमारे सभी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखते हैं। स्वागत है उन दर्शकों का भी जो आज पहली बार या अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत कुछ। आपके राशिफल के साथ साथ हम आपको बताएंगे इस महीने की एक विशेष टिप जो इस महीने को और अधिक सक्सेसफुल बनाने में आपकी मदद करेगी, और हम आपको बताएंगे आपकी राशि के लिए जनरल ट्रेंड्स, धन और व्यवसाय, घर परिवार, प्यार और वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आदि। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस महीने ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा आपकी कुंडली के ऊपर। बुध राशि परिवर्तन करेंगे 12 अप्रैल को, जब वे कुंभ से मीन राशि में जाएंगे। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में चले जाएंगे और वे वहां पर उच्च के हो जाएंगे। इसके बाद आपकी राशि के स्वामी शुक्र भी 16 अप्रैल को कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और वे भी वहां पर जाकर उच्च के हो जाएंगे। मंगल पूरा महीना वृषभ में रहेंगे जो कि आपकी कुंडली का आठवां भाव है। राहु आपके नवम भाव में रहेंगे जो कि है मिथुन राशि और आपके लक का घर, और इसके ठीक सामने केतु रहेंगे आपके तीसरे भाव में जो कि है आपकी हिम्मत, कम्युनिकेशन का घर। देवताओं के गुरु बृहस्पति भी 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और वह धनु से वृश्चिक में चले जाएंगे। अब देखते हैं कि इस महीने के सामान्य रुझान कैसे रहेंगे। अप्रैल 2019 का महीना तुला राशि वालों के लिए यह बतला रहा है कि समय कुछ मिला जुला रहेगा। इन दो हफ्तों में विशेष तौर पर आप काफी ऊर्जावान, काफी रोमांचित महसूस करेंगे, आप काफी मोटिवेटेड अर्थात प्रेरित भी रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इस भावना को, इस इमोशन को अगर आप पूरे महीने अपने साथ कैरी कर सकते हैं तो और भी अच्छा होगा। आपके अंदर उत्साह होगा और उत्साह में व्यक्ति अच्छे अच्छे काम भी करता है। ये महीना आपकी सकारात्मक और रचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव एनर्जीज का सही रूप से इस्तेमाल करवा पाएगा, क्योंकि यही सुनिश्चित करेगा कि आप इस पूरे महीने खुश रहें। इसलिए मेहनत करें, अपने काम को एंजॉय करें और अपने ऊपर तनाव बिल्कुल ना आने दें। अब बात करते हैं करियर और मनी की। आपको इस महीने बहुत ही अनुशासित और संगठित रहने की जरूरत है, अर्थात डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से शायद आपको बहुत फायदा ना हो, इसलिए आपको अपना बजट थोड़ा ध्यान से बनाना होगा और बड़ी ही सावधानी से खर्चे करने होंगे। सीधी बात है, खर्चों को नियंत्रण में रखिए। नौकरी करने वाले तुला राशि के जातकों के लिए करियर को लेकर बहुत अच्छी संभावनाएं हो सकती हैं 21 अप्रैल के बाद। इस समय आप अपने पदोन्नति की भी बात कर सकते हैं, इंक्रीमेंट की भी बात कर सकते हैं, अच्छा मौका देखकर अपने सीनियर्स के साथ। पर कुल मिलाकर आप बहुत अधिक परिश्रम के लिए तैयार रहें और साथ ही ध्यान रखें कि आपको आपकी मेहनत के रिवॉर्ड्स एकदम से नहीं मिलेंगे, थोड़ी सी धैर्य, थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत जरूर होगी। और यही असंतुलन, इम्बैलेंस तुला राशि के उन जातकों के लिए भी दिखेगा जो स्वयं के व्यापार में हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं। तो ऐसे में मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप किसी काम को बनवाने के लिए या अपने काम को धक्का लगवाने के लिए अपने किसी इन्फ्लुएंशियल दोस्त यानी कि बहुत ही प्रभावशाली दोस्त या कोई बहुत बड़े कॉन्टैक्ट के पास मदद मांगने जाएंगे तो शायद उनसे भी काम ना हो पाएगा। इसलिए धैर्य रखें और एक साफ सुथरा जीवन जिए। तो तुला राशि वाले जातकों की कुंडली इस समय दिखा रही है कि कुछ नया या कुछ रोमांचक होने की उम्मीद तो नहीं है, सब कुछ सामान्य ही होगा। घर में बड़ों से बात करते हुए थोड़ा विशेष सावधानी रखें, क्योंकि
कोई कंफ्यूजन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलतफहमी, कोई मतभेद हो सकता है और इसके चलते बात थोड़ी सी बिगड़ भी सकती है। इसलिए स्वयं को शांत रखें, किसी भी टकराव में आकर खुद को उकसाने की अनुमति न दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सुझाव आपको तनाव कम करने में बहुत सहायक होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रह हमारे जीवन पर एक अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं। इसलिए अगर ग्रहों की स्थिति और गोचर का अध्ययन किया जाए तो हम किसी भी व्यक्ति विशेष की आने वाली जिंदगी की घटनाओं को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमसे पेड कंसल्टेशन लेकर उचित सलाह ले सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तुला अप्रैल 2019 राशिफल के अनुसार इस महीने प्रेम तो हवा में रहेगा, प्रेम तो आपके चारों तरफ रहेगा। चाहे आप शादीशुदा हैं या रिश्ते में हैं या किसी से हल्का फुल्का फ्लर्ट कर रहे हैं, इस महीने जो आपके इमोशंस होंगे उसमें सब पे टॉप पर होगा लव और रोमांस, और जो कि अपनी चरम सीमा पर होगा। अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों अब शादी की बात गंभीरता से सोच सकते हैं। और अगर आप किसी के साथ हल्का फुल्का प्रेम कर रहे हैं, फ्लर्टिंग कर रहे हैं या अभी अभी डेटिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो हो सकता है अब आप उसको एक अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश करें। जो जातक जो अभी तक सिंगल है, हो सकता है कि उन्हें कोई रोमांटिक पार्टनर मिल जाए और वह भी अपने कार्य क्षेत्र में यानी कि ऑफिस में ही। यदि आप MBA या लॉ जैसी पढ़ाई कर रहे हैं तो परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रहों का कॉम्बिनेशन ये दिखा रहा है कि समय समय पर आपके स्टूडेंट लाइफ में, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में कुछ स्पीड ब्रेकर्स आपको मिलने वाले हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा घबराइए नहीं, क्योंकि अब तो आपको पता लग ही गया है कि क्या एक्सपेक्ट करें या क्या एक्सपेक्ट ना करें। आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी नीचे भी गिर सकती है। तो भाई ऐसे में आप पूछ सकते हैं तो फिर मैं क्या करूं? इसके लिए मैं कहूंगा कि आपको तीन फ्रंट्स पे सक्रिय रहना होगा। सबसे पहले माता पिता, क्योंकि वे तो निराश होंगे ही होंगे। और दूसरा आपके शिक्षकगण, तो ना तो उनके साथ कोई रिश्ता बिगाड़िएगा, ना उन्हें कुछ कहिएगा, बल्कि उनसे समझिएगा कि अच्छे नंबर लाने और आप अपने आप को कैसे और अच्छा स्टूडेंट बनाएं, इसका क्या रास्ता है। और तीसरा, आप स्वयं अपने आप को मोटिवेटेड ही रखें। लेकिन ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, इसको एज ए पासिंग फेज ही मान के चलें और नवंबर के दौरान सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस महीने मुझे लगता है कि प्लैनेट्स यानी कि ग्रह बहुत ज्यादा मददगार मूड में नहीं है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य की स्वयं ही अच्छी देखभाल करनी होगी। पाचन विकार और गठिया जैसे रोग, जैसे कि जोड़ों में सूजन और दर्द आदि जैसे पुराने विकारों की प्रवृत्ति वाले जातकों को स्वयं को फिट रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। तो आप जो जो करते हैं उसे जरूर करिए। अगर डॉक्टर से सलाह लेनी है तो उसे आप जरूर लीजिए। इसलिए अपने उपचार और आहार दोनों पे ध्यान दीजिए। कुछ तुला राशि के जातकों को जिगर यानी कि लिवर की समस्या भी परेशान कर सकती है, इसलिए अगर आपका इस बीमारी का पुराना इतिहास है तो इसकी रोकथाम की कार्रवाई आपको आज से ही कर लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने शुरू में एक हिंट दिया कि परिवार के कुछ सदस्यों के साथ आपका मतभेद हो सकता है, खास तौर पर ये हो सकते हैं आपके पिताजी या आपके लाइफ पार्टनर। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो सावधान रहना है। दूसरा, अपने कम्युनिकेशन को, अपनी बातचीत को, अपनी बोलचाल को ऐसा रखना है कि सामने वाले को जरा भी चोट ना पहुंचे। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि भाई अपने हेड को कूल रखिए, तो आपको कूल रखना है। और चौथा, थोड़ा चतुराई का सहारा लीजिए, थोड़ा डिप्लोमेसी का सहारा लीजिए, ताकि बात अगर इतनी बिगड़ी है तो इतनी ही रहे, ना कि इतनी बड़ी हो जाए। तो ये था आपकी राशि के लिए इस महीने का राशिफल।
अगर आप इसी वीडियो को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो हमने उस वीडियो को भी अपलोड किया हुआ है। आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और अंग्रेजी में वीडियो चल पड़ेगा। अगर आप इस विषय पर यानी कि ज्योतिष वास्तु आदि विषयों पर और अधिक पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर बहुत सारे रोचक आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं और उस वेबसाइट का लिंक भी हमने नीचे दे दिया है। दोस्तों, अब आप सबसे एक प्रार्थना, एक गुजारिश, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और इसको अपने मित्रों के साथ, परिवार के सभी सदस्यों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके अच्छे अच्छे सुझावों का हमें इंतजार रहेगा और उसे मैं स्वयं भी पढ़ूंगा। और हाँ, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना, और अगर कर लिया है तो घंटी वाले निशान को भी जरूर क्लिक कर ले। आपके लिए ये महीना मंगलमय खुशहाल रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।